सुपरस्टार रजनीकांत प्रॉपर्टी टैक्स विवाद को लेकर मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गए थे। 14 अक्टूबर को मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए फटकार लगाई। इसके बाद रजनीकांत ने अपनी याचिका वापस ले ली। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने नोटिस भेजकर रजनीकांत के मैरिज हॉल का 6.5 लाख रुपए के करीब प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए उनको कहा था। रजनी ने कहा कि ऐसा कैसे, इसे लेकर वो हाईकोर्ट पहुंच गए। कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते 24 मार्च से उनका मैरिज हॉल बंद है। अब जब कोई कमाई ही नहीं है तो टैक्स किस बात का मांगा जा रहा है। रजनी ने यह दावा भी किया कि इस बारे में उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आवेदन भी किया था, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि रजनीकांत को कोर्ट का समय बर्बाद करने के बजाय ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को रिमाइंडर भेजना चाहिए था। इसके बाद रजनीकांत के वकील ने कोर्ट से केस वापस लेने की इजाजत मांगी। रजनीकांत के वकील ने 1919 के चेन्नई सिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की धारा 105 में कर छूट के प्रावधान का हवाला देते हुए 50% माफी के प्रावधान का जिक्र किया। इसमें कहा गया है कि 6 महीने में अगर कोई बिल्डिंग जो 30 या उससे ज़्यादा दिनों तक ज़्यादा खाली रही हो तो उसे टैक्स में छूट दिया जा सकता है। NDTV से बात करते हुए रजनीकांत के वकील विजयन सुब्रमण्यम ने कहा कि कानूनी प्रावधान है कि प्रॉपर्टी खाली होने पर संपत्ति कर में 50% की छूट मांगी जा सकती है। यही कारण है कि रजनीकांत इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं NDTV से बातचीत में एक अधिकारी ने कहा कि वो इस तरह के छूट प्रावधान से अवगत नहीं है। हालांकि अगर संपत्ति कर का भुगतान 15 तारीख से पहले किया जाता है तो छूट दे दी जा सकती है, नहीं तो उन्हें जुर्माना भी देना होगा। दरअसल संपत्ति कर वसूलने के लिए चेन्नई निगम आक्रामक तरीके से अभियान चला रहा है, क्योंकि अधिकांश मालिकों ने पैसे नहीं होने की बात कहकर संपत्ति कर देने से मना कर दिया है। नौकरी जाने से कमाई घटने, वेतन में कटौती और 5 महीने तक दुकानों को बंद करने से बड़ी संख्या में व्यक्तियों, दुकानों, कॉम्प्लेक्स और मॉल को भारी नुकसान हुआ है। मकान मालिकों को सरकार ने किराया जमा न करने की सलाह दी। ऐसे में विपक्षी दल भी टैक्स टालने की मांग कर रहे हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे, अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकी, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बर्गर, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।